हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम मेडिकेशन अडहेरेंस के बारे में पढ़ेंगे। सो कीप अ वॉच ऑन द फॉल्ट ऑफ द पेशेंट विच ऑफन मेक देम लाई अबाउट टेकिंग ऑफ द थिंग्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर थ्रू नॉट टेकिंग डिसअग्रीएबल ड्रिंक्स परगेटिव और अदर दे समटाइम्स डाई। ये हिपोक्रेट्स का कहना है कि हम अगर पेशेंट के फॉल्ट्स पर ध्यान नहीं देंगे और वो अगर हमसे झूठ बोलेंगे कि वो मेडिसिन हमने जो प्रिस्क्राइब की है वो प्रॉपर टाइम से ले रहे हैं और वो परगेटिव या डिसएग्रीबल ड्रिंक्स मीन सिरप को कहा जा रहा है, अगर वो टाइम से नहीं लेंगे तो उनकी डिजीज़ ठीक नहीं होगी एंड दे समटाइम्स डाई विच कैन ऑल्सो लीड टू द डेथ। सो मेडिकेशन अडहेरेंस का मतलब ये होता है कि आपको आपकी मेडिसिन टाइम पे लेनी है विद द राइट वे एंड राइट डोसेज। सो लेट्स टॉक अबाउट मेडिकेशन अडहेरेंस। इफ यू स्किप चेंज और इग्नोर द मेडिसिन इट कैन बी बैड फॉर योर हेल्थ। टेक योर मेडिसिन इन राइट डोज, राइट टाइम एंड द राइट वे। सो वॉट इज पेशेंट अडहेरेंस? पेशेंट अडहेरेंस का मतलब होता है कि अगर कोई पर्सन किसी भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर के रिकमेंडेशन पे प्रॉपर मेडिसिन ले रहा है, प्रॉपर डाइट फॉलो कर रहा है, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर रहा है और एक हेल्दी लाइफस्टाइल को एग्जीक्यूट कर रहा है तो वो कहलाता है मेडिकेशन अडहेरेंस। सो अकॉर्डिंग टू WHO द एक्सटेंट टू विच अ पर्सन बिहेवियर टेकिंग द मेडिकेशन, फॉलोइंग अ डाइट और एग्जीक्यूटिंग लाइफस्टाइल चेंजेस विद एग्रीड रिकमेंडेशन फ्रॉम अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर। अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और पेशेंट उसको अडहेयर कर रहा है, मतलब प्रॉपर तरीके से उसको फॉलो कर रहा है, तो एक अच्छा आउटकम आ सकता है और पेशेंट बहुत जल्दी ठीक हो सकता है। सो मेडिकेशन अडहेरेंस में क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं? सो इसमें फर्स्ट है एबिलिटी टू पे फॉर मेडिकेशन। कई बार ऐसा होता है कि बहुत हाई कॉस्ट की रहती है मेडिसिन, ब्रांडेड मेडिसिन रहती है जो कि नॉर्मल पीपल या जो पुअर पीपल होते हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते। इसकी वजह से क्या करते हैं, वो मेडिसिन तो ले नहीं पाते, खरीद नहीं पाते और उसको खा नहीं पाते, जिसकी वजह से एक डिज़ायर्ड हमको इफेक्ट नहीं मिल पाता। तो ये एक टाइप का चैलेंज हो सकता है एडहेरेंस में। नेक्स्ट इज लो हेल्थ लिटरेसी। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे पेशेंट्स जो रूरल एरिया से आते हैं, जो इलिटरेट होते हैं, उनको क्रिटिकल कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है कि मेडिकेशन को कैसे लेना है, कब लेना है, कितनी मेडिकेशन लेना है, उसको कब रिफिल करवाना है, तो पॉसिबल नहीं हो पाता है उनके लिए, तो उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो कई बार वो क्या डोसेज स्किप कर देते हैं। इसीलिए लो हेल्थ लिटरेसी की वजह से मेडिकेशन अडहेरेंस नहीं हो पाता है और ये एक टाइप का चैलेंज है मेडिकेशन अडहेरेंस के लिए। नेक्स्ट है साइड इफ़ेक्ट्स। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट्स बहुत तरीके के एडवर्स साइड इफ़ेक्ट्स से गुजरते हैं जब वो मेडिकेशन लेते रहते हैं, तो वो ये करते हैं कि वो मेडिसिन लेना छोड़ देते हैं इस डर से कि अगर हम मेडिसिन लेंगे तो इससे हमको ये साइड इफ़ेक्ट आएगा, तो ये भी एक टाइप का मेडिकेशन अडहेरेंस का चैलेंज हो सकता है। कई बार कैसा होता है कि कुछ कुछ मेडिसिन की वजह से वेट गेन, नौजिया, वॉमिटिंग, स्टमक एक, ये सारी चीज़ें होती हैं, इनसे डर के वो क्या हो जाते हैं, मेडिसिन नहीं लेते हैं और नॉन एडहेरेंस में आ जाता है। एंड द लास्ट इज पॉलीफार्मेसी। पॉलीफार्मेसी का मतलब होता है अगर पेशेंट बहुत सारी मेडिसिंस एक टाइम पे ले रहे हैं तो उसको हम पॉलीफार्मेसी बोलेंगे। तो पॉलीफार्मेसी की वजह से क्या होता है, सबसे पहले तो कॉम्प्लेक्स डोजिंग शेड्यूल हो जाता है उन लोग का, उन लोग बहुत टाइम सारी मेडिसिन अलग अलग टाइम पे खानी रहती है तो उन लोग को कन्फ्यूज़न हो जा रहा है। उसके बाद फिर बहुत सारी मेडिसिन खाते हैं तो कॉस्ट भी बढ़ जाता है, तो इसके वजह से क्या करते हैं, उन लोग बहुत सारी मेडिसिन खरीदते भी नहीं हैं। तो पॉलीफार्मेसी की वजह से भी मेडिकेशन अडहेरेंस में चैलेंज आ सकता है एंड इट कैन लीड टू मेडिकेशन नॉन अडहेरेंस। सो वॉट आर द कॉजेज ऑफ मेडिकेशन नॉन अडहेरेंस? पुअर अडहेरेंस या नॉन अडहेरेंस की वजह से जो प्रॉपर हमको आउटकम या रिजल्ट चाहिए रहता है पेशेंट का, वो प्रॉपर नहीं आ पाता है और इससे पेशेंट मॉर्टेलिटी रेट इंक्रीज हो जाता है। मॉर्टेलिटी रेट मीन्स पेशेंट डेथ रेट। WHO के अकॉर्डिंग अगर हम इम्प्रूव करेंगे अडहेरेंस को तो ऐसी कंडीशन जैसे कि हाइपरटेंशन, हाइपरलिपिडेमिया, डायबिटीज़, इसमें अगर हम एडहेरेंस को इम्प्रूव करेंगे तो सब्सटेंशियल हेल्थ और इकोनॉमिक बेनिफिट्स हमको मिलेगा। ब्रॉडर टर्म्स में तीन टाइप के फैक्टर्स होते हैं जो कि मेडिकेशन नॉन एडहेरेंस कॉज कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट है पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स, दूसरा है फिजिशियन रिलेटेड फैक्टर्स और तीसरा है हेल्थ सिस्टम और टीम बिल्डिंग रिलेटेड फैक्टर्स।
सो फर्स्ट इज पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स. मोस्ट कॉमन रीज़न होता है पेशेंट रिलेटेड फैक्टर मेडिकेशन नॉन अडहेरेंस के लिए, क्योंकि ये मेडिसिन लेना भूल जाते हैं, फॉरगेटफुलनेस 30%, अदर प्रायोरिटीज़, मतलब उनको ऐसा लगता है कि मेडिकेशन लेने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें कुछ और है. कई बार क्या करते हैं कि खुद ही डोज को नहीं लेंगे करके डिसाइड कर लेते हैं. कई बार उनको इन्फॉर्मेशन नहीं होती है कि इस टाइम पे ये मेडिसिन लेना है. और कई बार इमोशनल रीज़न, अगर वो उदास है किसी वजह से, उनको गुस्सा आ रहा है या उनको कोई और ऐसा इमोशनल रीज़न है, तो इसकी वजह से वो क्या करते हैं, मेडिसिन नहीं लेते, मेडिसिन स्किप कर देते हैं. एंड 27% गिव्स नो रीज़न. कई बार बिना रीज़न के ही वो भूल जाते हैं कि वो मेडिसिन क्यों नहीं लिए हैं. बहुत सारे ऐसे पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिजीज़. मतलब उनको अपनी डिजीज़ के बारे में पता ही नहीं होता है, वो सीरियसली नहीं लेते कि उनको कौन सी डिजीज़ हुई है, इसके वजह से वो मेडिसिन स्किप कर देते हैं. लैक ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन द ट्रीटमेंट प्रोसेस. अगर प्रोसेस चल रहा है कोई भी ट्रीटमेंट में, तो डिसीजन मेकिंग नहीं ले पाते हैं कि उनको कौन सी, अगर कोई डॉक्टर बोल रहा है कि आप ये मेडिसिन ले लीजिए, तो वो मेडिसिन नहीं लेते. उनको समझ में ही नहीं आता, वो इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहते हैं उस ट्रीटमेंट में. और सब ऑप्टिमल मेडिकल लिटरेसी कई बार उनको पता ही नहीं होता है, इलिटरेट होते हैं. ये जो सारी चीज़ें रहती हैं मेडिकेशन नॉन अडहेरेंस में कंट्रीब्यूट करती है. ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि नेगेटिवली एसोसिएटेड रहते हैं अडहेरेंस के साथ, जैसे कॉम्प्लेक्सिसिटी, ड्यूरेशन ऑफ मेडिकेशन बड़ा हुआ होता है, साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, बहुत ओल्ड एज के पेशेंट्स होते हैं, कई बार पॉवर्टी या गरीबी ज़्यादा होती है, कोई पेशेंट सोशली आइसोलेटेड होते हैं, कोई साइकेट्रिक डायग्नोसिस रहते हैं. कुछ केसेस में ऐसा दिखाया गया है जो HIV पॉजिटिव इंडिविजुअल्स होते हैं, उनमें जो ओल्डर HIV पेशेंट्स होते हैं उनमें ज़्यादा न्यूरोकॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होता है एज़ कम्पेयर टू यंगर पेशेंट्स, क्योंकि उनके में ज़्यादा रिस्क रहता है सब ऑप्टिमल एडहेरेंस का. मीन्स अगर उतना उन लोग मेडिकल एडहेरेंस नहीं कर पाते हैं जैसे कि यंगर कर पाते हैं, क्योंकि ओल्ड एज पेशेंट्स रहते हैं तो कई बार उनको डिमेंशिया होता है, कई बार उनको बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते रहते हैं रिलेटेड टू ओल्ड एज, इसीलिए उनमें जो रिस्क रहता है वो ज़्यादा रहता है. बहुत सारे ऐसे स्पेसिफिक फैक्टर्स रहते हैं जो कि बैरियर होते हैं मेडिकेशन अडहेरेंस के लिए, जैसे कि लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस विथ हाई मेडिकेशन कॉस्ट, लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेडिकेशन एंड लॉन्ग वेट टाइम्स एट द फार्मेसी. कई बार ऐसा होता है कि उन गरीब होते हैं और मेडिकेशन कॉस्ट हाई होता है, कई बार उनके पास पहुंचने का ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं होता है, उनको मेडिकेशन जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है वो समझ नहीं आता है, कई बार उनको बहुत लंबी लाइन लगानी पड़ती है फार्मेसी में, या फिर फैमिली या सोशल सपोर्ट नहीं मिल पाता है, इसकी वजह से भी नॉन अडहेरेंस हो सकता है और पुअर मेंटल हेल्थ हो सकती है एंड इट कैन समटाइम्स लीड टू पेशेंट मोर्टैलिटी. नेक्स्ट है फिजिशियन रिलेटेड फैक्टर्स. फिजिशियन रिलेटेड फैक्टर में क्या होता है, कई बार ऐसे फिजिशियन या डॉक्टर रहते हैं जो समझ नहीं पाते हैं कि प्रॉपरली कोई पेशेंट मेडिकल एडहेरेंस नहीं फॉलो अप कर पा रहा है, क्योंकि वो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स ड्रग रेजिमेन बना के दे देते हैं, और यह भी वो लोगों को नहीं समझाते हैं कि इस ड्रग का बेनिफिट या एडवर्स इफेक्ट क्या है, और प्रॉपरली उनको समझा नहीं पाते हैं. और इस इनअफेक्टिव कम्युनिकेशन की वजह से पेशेंट जो रहता है क्रॉनिक डिजीज से सफ़र करता है, मेडिसिन ठीक से नहीं ले पाता है, और इसकी वजह से मेडिकेशन नॉन अडहेरेंस होता है एंड इट कैन लीड टू पेशेंट मोर्टैलिटी. बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ पे डायरेक्ट कम्युनिकेशन लेस देन 20% होता है किसी भी डॉक्टर और पेशेंट के बीच में. Inadequate communication between physician, hospitalist, primary care physician and consultant also contribute to medication error and potentially avoidable hospital readmissions. अगर properly communication नहीं हो रहा है physician, hospitalist, primary care physician और consultant के बीच में, तो कई बार medication error होने के chances रहते हैं, जिससे hospital में वापस admit होना पड़ सकता है अगर properly किसी patient का treatment नहीं हुआ है तो. नेक्स्ट है हेल्थ सिस्टम एंड टीम बिल्डिंग रिलेटेड फैक्टर्स. कई बार हेल्थ केयर सिस्टम भी क्रिएट करता है ऐसा बैरियर जो कि मेडिकेशन अडहेरेंस को लिमिटेड कर देता है और पेशेंट को एक्सेस नहीं मिल पाता है टू द कंप्लीट हेल्थ केयर. बहुत सारे हॉस्पिटल्स में हेल्थ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाइडली अवेलेबल नहीं होती है, जिसके कारण जो डॉक्टर से फिजिशियन रहते हैं इजीली कोई भी इन्फॉर्मेशन पेशेंट रिलेटेड एक्सेस नहीं कर पाते हैं,
और इसकी वजह से पेशेंट केयर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है एंड प्रॉपरली रिफिल नहीं हो पाता है मेडिकेशन, और पेशेंट और फिजिशियन का कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। कई बार हेल्थ केयर सिस्टम में क्या होता है कि टाइम भी नहीं मिल पाता है पेशेंट को कि वो प्रॉपर अपना सारा जो नीड है वो किसी भी फिजिशियन को बता सके। वो लोग का टाइम बहुत कम पड़ जाता है कि वो किसी भी डिजीज़ को बहुत डीप तरीके से डिस्कस करे, एंड इसकी वजह से भी मेडिकेशन नॉन अडहेरेंस हो सकता है। अगर हमें प्रॉपर मेडिकेशन अडहेरेंस चाहिए तो हमें पेशेंट और फिजिशियन के बीच में जो कम्युनिकेशन टाइम है उसको बढ़ाना चाहिए ताकि प्रॉपर तरीके से मेडिकेशन अडहेरेंस हो और एक प्रॉपर आउटकम मिले एंड जो पेशेंट है उसको कंप्लीट हेल्थ केयर मिल सके और वो ठीक हो सके। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन द मेडिकेशन अडहेरेंस? एक फार्मासिस्ट का मेडिकेशन अडहेरेंस में क्या क्या रोल हो सकता है? सो फर्स्ट है एजुकेटिंग द पेशेंट ओवर ओल्ड एज पीपल ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड मैनेजिंग डिजीज कंडीशन एंड आइडेंटिफाइंग रिस्क इंडिविजुअल्स टॉकिंग अबाउट द लाइफस्टाइल मेडिकेशन। ऐसे पेशेंट्स जो कि ओल्ड एज्ड हैं उनको एजुकेट करना ताकि वो प्रॉपर मेडिकेशन ले सके, और उनको बताना है कि कैसी डिजीज़ है, उनको आइडेंटिफाई करना है कैसे उनको मैनेज करना है उस डिजीज़ को, और रिस्क इंडिविजुअल्स ऐसे पेशेंट जो कि रिस्क है उनको उनकी लाइफस्टाइल मॉडिफाई करने के लिए और प्रॉपर ड्रग देने के लिए उनको समझाना है या एजुकेट करना है। ये एक फार्मासिस्ट का रोल होता है। सेकंड है रिकमेंडिंग अप्रोप्रिएट ड्रग थेरेपीज। किसी भी पेशेंट को अप्रोप्रिएट ड्रग थेरेपी बताना है ताकि पेशेंट प्रॉपर राइट डोज ले सके और जल्दी ठीक हो सके। नेक्स्ट है एजुकेटिंग पेशेंट ऑन मल्टीपल मेडिकेशंस एंड हाउ दे वर्क टुगेदर। किसी भी पेशेंट्स को हमको ये समझाना है कि हमें मल्टीपल मेडिकेशन की क्यों ज़रूरत पड़ती है और वो एक साथ मिलके कैसे काम करते हैं। कई बार ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनके पास बहुत सारी क्वेरीज रहती है कि हम इतनी सारी मेडिसिन क्यों ले, हमको डॉक्टर ने इतनी सारी मेडिसिन क्यों लिखी है, क्या ये वर्थ इट है या नहीं है। तो हमें पेशेंट्स को ये एजुकेट करना है कि क्यों मल्टीपल मेडिकेशन दी जा रही है और वो एक साथ कैसे काम करते हैं ताकि आपकी तबीयत ठीक हो सके, आपको जो डिजीज है उसका ट्रीटमेंट हो सके। और हमें इनको ये भी सिखाना है कि अगर कोई मॉनिटरिंग इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं जैसे शुगर मशीन यूज़ कर रहे हैं, बीपी मशीन यूज़ कर रहे हैं, तो उनको कैसे करना है यूज़ उसको भी हमको प्रॉपरली बताना है और सारी डिटेल्स हमको देनी है। नेक्स्ट इज गिविंग द इन्फॉर्मेशन टू द पेशेंट दैट ईच ड्रग एंड इंडिविजुअल मैनर हेल्प टू अचीव देयर गोल्स। हर एक पेशेंट को हर ड्रग जो डॉक्टर ने लिखी है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देना है ताकि उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके और वो अपने गोल तक पहुँच सके। नेक्स्ट है पेशेंट को कॉम्प्लायंस एड्स देना है, जैसे कि पेशेंट इन्फॉर्मेशन लीफलेट जिसमें कंप्लीट पूरा उनकी जानकारी दी है ताकि जो भी डॉक्टर ने दवा लिखी है, थेरेपी लिखी है, उसको वो लोग प्रॉपरली फॉलो कर सकें। नेक्स्ट है टॉकिंग विद पेशेंट अबाउट रीफिलिंग अबाउट ड्रग्स इन फार्मेसी। पेशेंट्स को हमको ये बताना है कि कितने दिन के बाद आपको इस ड्रग को वापस से लेने आना है, रिफिल करना है अपने प्रेस्क्रिप्शन को। नेक्स्ट है एडवाइजिंग पेशेंट्स टू कैरी अ पर्सनल मेडिकेशन रिकॉर्ड। उनको एक पर्सनल PMR पर्सनल मेडिकेशन रिकॉर्ड रखने की एडवाइस देनी है ताकि मेडिकेशन अडहेरेंस थेरेपी के टाइम उनकी हेल्प हो सके। नेक्स्ट वर्किंग क्लोजली विद पेशेंट एंड देयर फिजिशियन व्हेन पेशेंट्स रिक्वायर मेडिकेशन थेरेपी चेंजेस। जब किसी भी पेशेंट को मेडिकेशन थेरेपी को चेंज करने की ज़रूरत है तो प्रॉपरली फिजिशियन के साथ कॉन्टैक्ट करके हम उसका मेडिकेशन थेरेपी या रिजीम को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रिमाइंडिंग पेशेंट्स टू टेक देयर मेडिकेशन, कॉशनिंग पेशेंट टू सी हाउ दे रिएक्ट टू द थेरेपी बिफोर दे ड्राइव। पेशेंट्स को हमें रिमाइंड कराना है कि उनको मेडिकेशंस कब लेनी है और क्या क्या उससे कॉशन हो सकते हैं, एंड यूज़ ऑफ मशीनरी और एंगेज इन टास्क रिक्वायरिंग अलर्टनेस। ऐसी मशीनरीज या टास्क जिसमें अलर्टनेस की ज़रूरत है, सावधान करने की ज़रूरत है, उसके बारे में उनको रिमाइंड कराना है। एंड द लास्ट इज टॉक टू देयर फिजिशियन इफ दे एक्सपीरियंस एनी डिफिकल्टी एंड एनी सिम्टम्स गेट वर्स। हमें फिजिशियन से बात करनी है अगर कोई डिफिकल्टी आ रही है या फिर किसी मेडिसिन के लेने के बाद कोई सिम्टम्स वर्स हो रहे हैं तो। सो व्हाट आर द मेथड्स टू इम्प्रूव मेडिकेशन अडहेरेंस? किसी भी मेडिकेशन अडहेरेंस को इम्प्रूव करने के क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं? सो फर्स्ट है इसमें लेवल ऑफ प्रेस्क्राइबिंग। हमें प्रॉपरली तरीके से किसी भी मेडिसिन को दवा प्रिस्क्राइब करनी है ताकि वो प्रॉपर तरीके से अपना ट्रीटमेंट प्लान बना सके एंड उस मेडिसिन को कंज्यूम कर सके ताकि हमको सही आउटकम और सही रिजल्ट मिल सके। सिंप्लीफाई करना है हमें मेडिकेशन टेकिंग को, सिंप्लीफाइड रेजिमेन बनाना है पेशेंट के कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर।
कम्युनिकेशन विद द पेशेंट्स। कम्युनिकेशन करना सबसे इम्पॉर्टेंट की होता है किसी भी मेडिकेशन अडहेरेंस के लिए। अगर हम प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेशन नहीं करेंगे तो जो पेशेंट है वो प्रॉपर तरीके से मेडिसिन नहीं ले पाएगा, हमको डिजायर्ड आउटकम नहीं मिल पाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमको प्रॉपरली पेशेंट से कम्युनिकेट करके उनको यह बताना है कि उनको मेडिसिन किस तरीके से लेनी है, किस टाइम पर लेनी है, किस डोज में लेनी है और किस तरीके से लेनी है। फर्स्ट है एक्सप्लेन द की इन्फॉर्मेशन व्हेन प्रिस्क्राइबिंग और डिस्पेंसिंग अ मेडिसिन एंड एड्रेस द की इन्फॉर्मेशन अबाउट द ड्रग। की इन्फॉर्मेशन मतलब व्हाट, मतलब क्या ड्रग है ये, व्हाई मतलब इसे हम क्यों ले रहे हैं, व्हेन कब लेना है, हाउ किस तरीके से लेना है एंड हाउ लॉन्ग कब तक हमें इस मेडिसिन को लेना है, ये सारी की इन्फॉर्मेशन है किसी भी ड्रग के बारे में। नेक्स्ट है इन्फॉर्म द कॉमन साइड इफेक्ट्स ऑफ दोज टू द पेशेंट हु नेसेसरली नो that would lead to non-adherence due to side effects that was not cautioned to them in advance by healthcare professionals। ऐसे मेडिसिन जिसका साइड इफ़ेक्ट्स हैं बहुत सारे कॉमन साइड इफ़ेक्ट, उसको हमको पेशेंट को बताना है ताकि वो डरे ना और वो मेडिसिन को लेना छोड़ मत दे। कई बार ऐसा होता है कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स मेडिसिन लिखने के टाइम बताते नहीं हैं कि इस मेडिसिन को लेने के वजह से ये साइड इफ़ेक्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, तो ये आपको डरना नहीं है। तो कई बार पेशेंट्स डर जाते हैं कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ, कैसे इफ़ेक्ट्स हमको आ रहे हैं, इसीलिए हमको प्रॉपर तरीके से बताना है उन साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में ताकि पेशेंट मेडिकेशन को प्रॉपरली लें और मेडिकेशन लेना छोड़े मत। नेक्स्ट है इम्प्रूविंग एड्स यूज करना है हमें मेडिकेशन अडहेरेंस के लिए, जैसे कैलेंडर हो गया, शेड्यूल हो गया, जिसमें हम प्रॉपर शेड्यूल करके टाइमिंग बना सकते हैं कि मेडिसिन कब लेना है, ड्रग कार्ड बना के दे सकते हैं, चार्ट बना के दे सकते हैं एंड अलग अलग बॉक्स बना के दे सकते हैं जिसमें एक मेडिसिन रखी हुई है उसको इस टाइम पे लेना है, हर मेडिसिन का सेपरेट बॉक्स बना के दे सकते हैं। इस तरीके के हम एडहेरेंस इम्प्रूविंग एड्स का यूज़ कर सकते हैं। ऐसे पेशेंट्स जिनको समझाने की ज़रूरत होती है उनको बिहेवियोरियल सपोर्ट हमें प्रोवाइड करना है ताकि वो अपनी मेडिसिन रोज अच्छे से ले सकें एंड कॉम्प्लेक्स ड्रग रेजिमेंट में ज़्यादा समझाने की ज़रूरत पड़ती है, कुछ डिफ़िकल्टीज आती है, इसके वजह से वो समझ नहीं पाते हैं कि उनको मेडिसिन कब कैसे लेनी है। जैसे कि एल्डरली पेशेंट्स होते हैं उनको नहीं समझ में आता है, तो उनको प्रॉपर बिहेवियोरियल सपोर्ट हमको देना है, अच्छे से उनको समझाना है कि इन मेडिसिन को हमको कैसे लेना है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग फॉलोअप्स। फॉलोअप्स में हमें प्रॉपर फॉलोइंग अप करना है। जब पेशेंट नेक्स्ट टाइम आ रहे हैं रीफिलिंग करवाने के लिए या कंसल्ट करने के लिए, उसके टाइम हमको एक प्रॉपर मेजर होना चाहिए किसी भी अडहेरेंस को मेज़र करने के लिए और ड्रग कैरेक्टरिस्टिक्स को भी देखने के लिए, इफेक्टिवनेस चेक करने के लिए कि जो मेडिकल अडहेरेंस हम बनाए हैं, एड जो बना है मेडिकेशन अडहेरेंस के लिए, वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं, ये फिजिशियन या फार्मासिस्ट को करना चाहिए। उसके बाद आइडेंटिफाई करना है कोई डिफ़िकल्टी या बैरियर तो नहीं आया है मेडिसिन लेते वक्त या अडहेरेंस के वक्त, उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना है एंड उसके हिसाब से प्रॉब्लम हमको सॉल्व करना है उन पेशेंट की, ताकि आगे जाके ऐसी कोई मेडिकेशन अडहेरेंस में प्रॉब्लम ना आ सके और एक पेशेंट प्रॉपरली अपनी ड्रग ले सके और ठीक हो सके। सो व्हाट आर द स्टेप्स टू इम्प्रूव द मेडिकेशन अडहेरेंस। एक 8 स्टेप का मैकेनिज्म है जिससे हम इम्प्रूव कर सकते हैं मेडिकेशन अडहेरेंस को। सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि जो नॉन अडहेरेंस होता है वो पेशेंट के कंट्रोल में नहीं हो पाता है। कई बार वो ओल्ड एज की वजह से भूल जाते हैं, कई बार इमोशनल कॉज की वजह से भूल जाते हैं, कहीं खुद से स्किप कर देते हैं, तो ये कम्प्लीटली पेशेंट के कंट्रोल में नहीं होता है। सो उसके बाद हमको प्रॉपरली एक प्रोसेस बनानी है ताकि हम मेडिकेशन अडहेरेंस के बारे में पूछ सकें और प्रॉपरली हम ड्रग देने के लिए एडवाइस कर सकें। नेक्स्ट क्रिएट अ ब्लेम फ्री एनवायरनमेंट। पेशेंट को ब्लेम नहीं करना है, डांटना नहीं है कि आपने ये मेडिसिन क्यों स्किप कर दी या क्यों नहीं ली, उसके अलावा उनसे अच्छे से बात करनी है ताकि वो प्रॉपरली मेडिकेशन ले सके। नेक्स्ट आइडेंटिफाई व्हाई द पेशेंट इज नॉट टेकिंग द मेडिसिन। प्रॉपर हमको आइडेंटिफाई करना है कि क्या रीज़न है कि वो पेशेंट मेडिसिन को नहीं ले रहा है। नेक्स्ट हमें पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करना है और थैंक करना है पेशेंट को फॉर शेयरिंग देयर बिहेवियर। कई बार पेशेंट्स होते हैं जो डरे हुए होते हैं, तो उनसे हमको अच्छे से बात करनी है और पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करना है ताकि वो अपनी सारी चीज़ें हमसे शेयर कर सके, जो भी प्रॉब्लम उनको आ रही है मेडिकेशन के टाइम पे, और उसके बाद उनको हमसे अगर प्रॉपर आउटकम या प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा तो वो प्रॉपर तरीके से अपनी मेडिसिन लेंगे। नेक्स्ट टेलर द अडहेरेंस सॉल्यूशन टू इंडिविजुअल पेशेंट। हर एक पेशेंट का अलग अलग मेडिकेशन अडहेरेंस का सॉल्यूशन होता है, तो अलग अलग पेशेंट को अलग अलग तरीके से समझाना है। नेक्स्ट टू इन्वॉल्व द पेशेंट इन डेवलपिंग द ट्रीटमेंट प्लान।
पेशेंट को इन्वॉल्व करना है अपने ट्रीटमेंट प्लान को डेवलप करने के लिए ताकि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो सके. एंड द लास्ट इज सेट पेशेंट्स अप फॉर सक्सेस. पेशेंट को प्रॉपरली हमको तैयार करना है, मॉरली तैयार करना है, उनको अच्छे से समझाना है, कन्विंस करना है कि आप जल्दी ही सक्सेस पाओगे और आप जल्दी ही ठीक हो जाओगे. नेक्स्ट इज मॉनिटरिंग ऑफ पेशेंट मेडिकेशन अडहेरेंस. मेडिकेशन अडहेरेंस की मॉनिटरिंग कैसे की जाती है? तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मेथड्स दिए गए हैं जिससे हमको ये पता चल जाता है कि प्रॉपर मेडिकेशन अडहेरेंस हो रहा है. सो फर्स्ट इज डायरेक्ट मेथड. डायरेक्ट मेथड को हम डायरेक्ट ऑब्जर्व थेरेपी भी कहते हैं. इसमें लेवल ऑफ ड्रग और उसका मेटाबोलाइट ब्लड में कितना है या यूरिन में कितना है, हम इसको बायोलॉजिकल मार्कर डाल के देख सकते हैं. अगर हम ड्रग के साथ कोई बायोलॉजिकल मार्कर उसमें ऐड कर दे और जब पेशेंट वो मेडिसिन को ले रहा है तो उसके बॉडी से फिर ब्लड सैंपल या यूरिन सैंपल विड्रॉ करते हैं एंड फिर हम उसको चेक करते हैं. उससे क्या होता है, हमें पता चल जाता है कि ड्रग जो है हमारी बॉडी में कितनी एक्ट की है, कितनी बाउंड हुई है, कितना अपना एक्शन शो की है. नेक्स्ट है इनडायरेक्ट मेथड्स. इनडायरेक्ट मेथड्स में पेशेंट क्वेश्चनरीज कर सकते हैं, पेशेंट सेल्फ रिपोर्ट हो सकता है, पिल काउंट्स के हिसाब से पता लगा सकते हैं, रेट कितना है प्रिस्क्रिप्शन रिफिल का, मतलब किस रेट से प्रिस्क्रिप्शन उसका रिफिल हो रहा है. जैसे कोई मेडिसिन को हमको 6 महीने में लेना है और हर एक महीने के लिए मेडिसिन उसको प्रिस्क्राइब की गई है, तो हमें ये देखना है कि कितने जल्दी जल्दी वो अपना प्रिस्क्रिप्शन रिफिल करा रहा है. उसने अगर कोई मंथली गैप तो नहीं किया है या उसने कोई मेडिसिन स्किप तो नहीं कर दी है. नेक्स्ट क्लिनिकल रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है पेशेंट का, उसके हिसाब से हम देख सकते हैं. मेडिकेशन मॉनिटर के हिसाब से देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकेशन मॉनिटर एंड फिजियोलॉजिकल मार्कर के और पेशेंट डायरी के अकॉर्डिंग भी हम देख सकते हैं कि पेशेंट मेडिकेशन कितना हो रहा है. नेक्स्ट है द सिंपलेस्ट वे ऑफ मेजरिंग पेशेंट अडहेरेंस इज पेशेंट सेल्फ रिपोर्ट. सेल्फ रिपोर्ट सबसे ईजी मेथड होता है जिसमें हम ये पता लगा सकते हैं कि प्रॉपर मेडिकेशन अडहेरेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है. और ये हम किसी भी स्कूल नर्स या टीचर या केयर जो भी हेल्प कर रहा है मेडिकेशन अडहेरेंस के लिए या पेशेंट को मेडिकेशन देने में, उससे हम पता लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द केयर गिवर. नेक्स्ट है बहुत सारे ऐसे मेथड्स है जिसमें पेशेंट डायरी जो होती है जिसमें हम प्रॉपरली एक रिस्पॉन्स लिखते हैं कि हम कैसे यूज़ कर रहे हैं किसी भी मेडिसिन को. जो क्वेश्चनिंग मेथड होता है पेशेंट से या पेशेंट डायरी होती है, वो भी एक अच्छा मेथड होता है और ईजी होता है. लेकिन कई बार क्वेश्चनिंग करने से मिस इंटरप्रिटेशन हो जाता है, पेशेंट समझ नहीं पाते हैं या वो शायद इमोशनली हर्ट हो जाते हैं, तो प्रॉपर मेडिकेशन अडहेरेंस नहीं हो पाता है. इसीलिए इन मेथड्स को अवॉइड किया जाता है. नेक्स्ट इज पिल काउंट्स. पिल काउंट्स मीन्स काउंटिंग द नंबर ऑफ पिल्स जो कि पेशेंट के मेडिकेशन बॉटल या ऑयल में होती है. ये सबसे कॉमन मेथड होता है मेडिकेशन अडहेरेंस को मेजर करने के लिए. ये मेथड बहुत सिंपल है लेकिन बहुत सारे इसके डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं, क्योंकि कई बार पेशेंट मेडिसिन की बॉटल भी स्विच कर देता है और कई बार ये डिस्कार्ड कर देता है मेडिसिन को, बॉटल को खाली कर देता है, उसकी मेडिसिन को फेंक देता है वापस हॉस्पिटल आने से पहले. तो हमें पता नहीं लग पाता है कि प्रॉपर मेडिकेशन अडहेरेंस हुआ है या नहीं हुआ है, प्रॉपर पेशेंट ने अपनी मेडिसिन ली है या नहीं ली है, और रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है. तो ये एक आइडियल मेजर नहीं है मॉनिटरिंग करने के लिए. रेट्स ऑफ रीफिलिंग द प्रिस्क्रिप्शन, ये भी एक एक्यूरेट मेजर हो सकता है अडहेरेंस का इन द क्लोज्ड फार्मेसी सिस्टम सिंस रीफिल आर मेजर्ड एट सर्वल पॉइंट ऑफ टाइम. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटर्स. जो इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटर्स रहते हैं वो प्रॉपर टाइम रिकॉर्ड करने के काम आते हैं कि पेशेंट ने बॉटल कब खोली है, डिस्पेंस किया है नहीं किया है आई ड्रॉप्स को, जो इनहेलर यूज़ हो रहा है अस्थमा के लिए वो यूज़ किया है या नहीं किया है, ये प्रॉपर हमको मेज़र करके बता सकता है एडहेरेंस का. लेकिन इस मेथड के साथ ये डिसएडवांटेज है कि कई बार ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो कि बॉटल तो खोल देते हैं, कंटेनर खोल देते हैं, लेकिन मेडिकेशन नहीं लेते हैं, या फिर रॉन्ग अमाउंट ऑफ मेडिकेशन ले लेते हैं, या कई बार मल्टीपल डोज ले लेते हैं भूलने की वजह से. तो ये भी एक प्रॉपर मेथड नहीं हो सकता है मेडिकेशन अडहेरेंस को मॉनिटर करने के लिए. सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो. थैंक यू.